गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो पिछली कक्षा में जो है हमने क्या किया था, सही गलत और कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आइए चलते हैं, आज जो है हम प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी बोर्ड के ऊपर जो है उत्तर लिख दिया है। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं, प्रश्न देखिए दिया गया है। आपके जो है नोटबुक हो तो, अगर हिंदी की नोटबुक हो तो उसे निकालिए और सभी जो है लिखिए। एक मिनट का वक्त देती हूँ, सभी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है प्रश्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पथरीली राह का क्या अर्थ है? पथरीली राह का अर्थ होती है कंकड़ों और पत्थरों से युक्त रास्ता, यानी कि मार्ग, यानी कि कवि का जो है इस कविता में कहने का मतलब ये कि पथरीली राह, यानी कि जो है हम अपने जीवन में आगे बढ़ते समय जो कठिनाइयाँ आती है उस रास्ते पर चलते समय जो भी कठिनाई या फिर मुश्किलें जिस रास्ते पर आते हैं, तो उसी को यहाँ पर जो है संबोधन किया है कविता कवि ने जो है कवि इस कविता में, इसी वजह से इस पथरीली राह का जो है यहाँ पर संबोधन किया है। यानी कि मतलब है कि इसका कहने का मतलब है कि पथरीली राह, यानी कि पत्थर से जो है युक्त रास्ता, अंदर इन नम जीवन कठिनते बंदे तो आइए चलते हैं आगे। हम जो यहाँ पर जो है रख कर देती हूँ, तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो आइए विचार करें, इस कविता में हमें कौन कौन सी सीखें दी गई है, इस कविता में हमें कौन कौन सी सीखें दी गई है, सीख का निशान लगाइए। तो अपनी जो है किताब में पन्ना 5 निकालिए, पेज नंबर 5, हाउ टू ओपन इट। तो यहाँ पर जो है देखिए दिया गया है कि इस कविता में हमें कौन कौन सी सीखें दी गई है, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 4
जो है वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों के सामने जो है यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, तो वाक्यों बॉक्स के अंदर जो है आपको सही का और गलत का जो है निशान लगाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है गौर से जो है हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जो सही है या फिर गलत, सही है, हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जो है यहाँ पर इस तरह मार कर लीजिए। तो दूसरा जो है गौर है, तो देखते हैं जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो आए, हमें हार नहीं मारनी चाहिए। सही है, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं मान लेनी चाहिए। तो तीसरा जो है हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए तीसरा वाक्य दिया गया है, हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये भी जो है सही है, हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो माफ कीजिएगा, तो ये जो है गलत है, क्योंकि आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, आपको किसी की साथी की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं लेनी है आपको किसी साथी की आवश्यकता लेनी है ना ही आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। तो ये जो है गलत है, हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें अकेले ही आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। कभी कभी हमें का यही मतलब है, तो हमें अकेले ही जीवन में आगे बढ़ना है, किसके ऊपर जो है निर्भर, जो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि किसी के साथ जो है नहीं आगे बढ़नी है, बल्कि हमें खुद अकेले ही आगे बढ़नी है। तो हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये जो है गलत है, गलत निशान लगाइए। तो चौथा जो है हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए, हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, लगातार हमें जीवन में लगातार आगे ही आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सही का जो है निशान लगाइए। तो ये हो गई चार जो है, तो चार बॉक्स दिए गए हैं, उनमें जो है पहला जो है सही का निशान जो है लगाइए, दूसरा भी सही का निशान जो है, तीसरा जो है गलत का निशान है, चौथा जो है सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो इस तरह कीजिए। तो आइए चलते हैं अगली जो है क्या दिया है। ये जो है पेंसिल से मार्क कर लीजिए, आपके बॉक्स में जो है किताब में दिया गया है चार बॉक्स, उनमें पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए। आइए जो है आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। तो भाषा से, तो शुरुआत करते हैं हम भाषा से। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची इसका मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स कहते हैं, तो यानी कि सिनोनिम्स, तो अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम्स, तो सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं उन्हें एंटोनिम्स कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह दिया गया है, नीचे दिए शब्दों के पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर मैं लिखती हूँ यहाँ पर राह, तो यहाँ पर देखिए राह दिया गया है, तो आपको जो है क्या करना है, लिखना है इसके जो पर्यायवाची शब्द लिखिए। रास्ता भी होती है, राह की रास्ता भी होती है, आप चाहे इसे मार्ग भी लिख सकते हैं, मार्ग भी होती है। और एक और यहाँ पर है पथ, पथ भी होती है, पथ एक ही मार्ग, राह दोनों एक ही होती है। तो यहाँ पर देखिए दिन, दिन जो है दिया गया है, दिन का जो है पर्यायवाची शब्द होती है दिवस, दिवस भी होती है। और आगे चलते हैं वासर, वासर यानी कि इसका जो है पर्यायवाची शब्द है, दिन का जो है एक और पर्यायवाची शब्द वासर, वासर भी कहते हैं, दिवस भी होती है वासर होती है। और रोज, तो यहाँ पर जो है रोज होती है लिख लीजिए। तो आगे आगे चलते हैं जब, जब दिया है, जग इनके आप जानते हैं बोल्ड, तो इसकी जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया है लिखने के लिए। तो यहाँ पर होती है दुनिया, एक और होती है संसार, संसार, और तीसरा होती है विश्व, तो विश्व भी लिखिए, अगर आप चाहें तो जगत ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी होती है जब ये पर्यायवाची शब्द जगत भी होती है, उसे भी लिखिए, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो
सभी जो है सारे में लिख लीजिए। देखिए फूल का जो है समान लिखी समानांतर, या फिर यूं कहें तो आप समानांतर भी कह सकते हैं, ठीक है। समानांतर शब्द लिखिए या फिर कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। तो फूल जो है इसका जो समानांतर शब्द होते हैं सुमन कुसुम पुष्प तीनों होते हैं। जल के जो है समानांतर शब्द दुनिया संसार विश्व इस तरह होती है। तो दिन का जो है समानांतर शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द दिवस वासर रोज। तो राम जो है इसका जो पर्यायवाची शब्द जो है रास्ता मार्ग पथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक नीचे जो है एक वाक्य दिया गया है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, यानी कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं, दरअसल जो शब्द समान अर्थ देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। तो ठीक है यहाँ पर जो है नीचे जो है एक वाक्य दिए गए हैं जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एक वाक्य दिया गया है यहाँ पर, वहाँ पर ध्यान रखिए उसे, यहाँ पर जो है नीचे आयन में करके लिख लीजिए। तो ये सभी जो है याद रखिए। तो हम क्या करेंगे अगली कक्षा में मिलेंगे। तो अगली कक्षा में जो है हम विलोम शब्द और पढ़िए समझिए और लिखिए इन दोनों के बारे में अध्ययन करके सभी जो है लिख लीजिए। तो सबसे पहले पेंसिल से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो है भाषा से है वहाँ पर जो है पेंसिल से लिख लीजिएगा। तो उसके बाद जो है नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे अब अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, देखेंगे विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे।